नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपने जीवन काल में बहुत ही दुखी हो, मुसीबत से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अगर एक बार मुसीबत में चले जाएं, तो दोस्तों वहां से आपको उम्मीद की नई किरण नहीं दिखती, जिनसे आप अपने जीवन काल को दोबारा संभाल सकें। जी दोस्तों, अंदर से आपको अभी भी बहुत ही घुटन सी महसूस हो रही है कि कब हमारी यह परेशानी खत्म हो जाएगी, कब हमें इस दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, अगर आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म न हो जाए, सारे दुखों का निवारण न हो जाए, तो फिर कहना। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की सारी परेशानियों का उपाय बताने वाले हैं। आखिर कौन सा वजह है जो कि यह दुख आपका खत्म नहीं हो रहा है। जी दोस्तों, कुल 12 राशियों में से आप एक ही एक ऐसी राशि है जिनको सबसे ज्यादा दुख झेलने पड़ रहे हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों में आपका जीवन बिल्कुल ही शून्य सा हो गया है। दोस्तों, आप कभी भी अपने जीवन काल में अच्छी तरह से चैन की नींद नहीं ले पाए हैं। जी दोस्तों, आपको हमेशा यह चिंता होती रहती है कि कब हम इन परेशानियों से मुक्ति पाएंगे, कब हमारी ये दुख के दिन खत्म होंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की सारी दुखों की, सारी परेशानियों की और सारी तकलीफ की, जो कि आपके जीवन काल में लगातार कई वर्षों से चलते आ रहे हैं, दोस्तों उन सभी का समाधान बताने वाले हैं। कैसे आप इनसे उभर सकते हैं, कौन से आपको उपाय करना चाहिए ताकि आप इनसे उभर जाएं। शायद दोस्तों आपको कौन सी अब विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप दोबारा इस मुसीबत में ना पड़े। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी संकट मोचन के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जरूर लिखिएगा। महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, संकट से हनुमान जी आपको दूर रखेंगे। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आने वाली सभी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन काल में पिछले समयांतराल में हर मौसम को देखा है, आपने हर मौसम को झेला भी है। यहाँ पर हम आपको मौसम यानी समय की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम का मतलब समय है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है। अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी ज़रूर देखा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में खुशियाँ जहाँ देखी है, वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएं होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है
कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है। आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं है, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, और आप जहाँ हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं, और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं, दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं, और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएँ भी घटी है, यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियाँ भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि दोस्तों आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। दोस्तों यश में कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष यशमय रुचि रहेगी, तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। अपनी फिजूल खर्ची पर आपको यशमय अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यशमय हो सकते हैं, तो दोस्तों यशमय बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय
आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, यह समय आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो सकती है, यश में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लिए जो समय होंगे, जो ग्रह स्थिति होंगे, यश में बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होगी। दोस्तों यश में बता दें कि आपकी योग्यता व फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों, विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी यश में मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यश में हासिल करने वाले हैं दोस्तों, परंतु आलस व फिर ज्यादा मौज मस्ती के समय को यश में व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों यश में आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों यश में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। तो आए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अब आपको अपने जीवनकाल में कौन से उपायों का, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि ये दुख के दिन आपके खत्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें। तो आए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको कौन से उपाय करना चाहिए, कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि दोस्तों जो भी आपके जीवनकाल में परेशानियां पिछले कई वर्षों से घर बनाकर बैठा है, दोस्तों यह परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इनके लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र सिद्ध साबर मंत्र है जो कि हनुमान जी द्वारा सिद्ध है। दोस्तों यह मंत्र आपकी जीवनकाल की सारी परेशानियां, सारी दुख को जड़ से ही खत्म कर देंगे। तो दोस्तों इस मंत्र को आप ध्यान से जरूर सुनेगा। जो दोस्तों मंत्र है, ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, नो आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र को दोबारा से सुनिएगा। मंत्र है, ओम हनुमान पहलवान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, नो आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों इस मंत्र का अनुष्ठान मंगलवार या फिर शनिवार से आरंभ करें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला, जनेऊ खड़ाऊ लंगोट दो लड्डू और ध्वजा चढ़ावें। इसके बाद प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें, लाल वस्त्र धारण करें तथा लाल चंदन की माला से जपादि कर्म करें। शनिवार को चने तथा गुड़ का वितरण करें। इस मंत्र की 10 मलाएं प्रतिदिन जपें। यह कर्म 3 महीने तक करें, सदा पवित्र रहें। हनुमान जी दर्शन देंगे, उस समय जो चाहे वे सभी मांग लेना, जीवन काल के सारे दुख खत्म कर देंगे, संकट समस्याओं से संकट मोचन आपको दूर रखेंगे। जी दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जरूर लिखिएगा। और शायद दोस्तों और इसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।